हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ा ही कमाल का पटाखा दिखाने वाला हूँ। गाइस, इसे कहते हैं पानी वाला बम। गाइस, ये काफी कमाल का पटाखा है जो मैंने मार्केट से इसको परचेज किया है 30 रुपए के अंदर, यानी 30 रुपए का एक पैकेट है। मेरे पास 3-4 पैकेट पड़े हैं इसे, और ये काफी कमाल का क्यों है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। सो मैं बोला था कि आप काफी कमाल का क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पहले इसको बताऊंगा कि ये जलता कैसे है, और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये पानी के अंदर भी फटता है या नहीं। मैंने अभी इसको टेस्ट नहीं किया कि पानी के अंदर फटता है। एक्चुअल में मेरे को दुकानदार ने बताया था कि ये पानी वाला बम है, ये पानी के अंदर फटता है। तो चलिए इसके एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो इसको खोलने पर ये कुछ अलग सा ही दिखता है। आप देख सकते हैं इसकी कोई बत्ती नहीं होती है, बिना बत्ती के होते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी निकाल लेता हूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं। गाइस, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये जो माचिस की तिल्ली जिसे जलती है उस तरह की एक आती है, यहाँ पे स्ट्राइप्स आती है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह से आता है और पीछे की तरफ से वाइट आता है। सो हम इसको इस तरह से जलाएंगे, आपको थोड़ा दूर फेंक के बताता हूँ। सो आप जैसा कि देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से फटता है, आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। सो ये कुछ इस तरह से फटता है, जो कि काफी कमाल का है। आप इसको हाथ में जलाकर और फेंक भी सकते हैं। गाइस, जब मैंने इसको पहली बार खरीदा था तो फिर ये मेरे हाथ में ही फट गया था, और मुझे कोई चोट भी नहीं लगी इससे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको जलाकर फेंकते हैं। मुझे लगा कि ये सिर्फ आग निकालने के लिए होता है। सो अब चलिए इसको पानी के अंदर ट्राई करते हैं। सो आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी मैंने यहाँ पर पानी का एक छोटा सा टब लिया है, और चलिए अब इसके अंदर इसको जलाकर देखते हैं कि ये अंदर कैसे फटता है पानी के अंदर। मेरे कान में बीप की साउंड गूंजने लगी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये पानी के अंदर काफी कमाल के तरीके से फटता है। मुझे ये काफी पसंद आया, मैं थोड़े और ट्राई करना चाहता हूँ, कमाल का है। चलिए मैं अभी एक और ट्राई करता हूँ। गाइस, ये सच में काफी कमाल का है। मुझे ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो लगा, क्योंकि ये ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। अभी मैं थोड़ा और ट्राई करना चाहता हूँ। बस इनकी प्रॉब्लम ये आती है कि इनमें से काफी सारे खराब निकलते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अभी ये ट्राई करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफी कमाल का है, मुझे तो ये काफी ज्यादा ही पसंद आएगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं एक्सपेरिमेंटल और क्रिएटिव दोनों की वीडियोस बनाता हूँ। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।